हम लोगों ने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को बताया है कि जिस ढंग से खास करके चुनाव का समय चुना गया है चंद लोगों के द्वारा, चंद वकीलों के द्वारा, और हमारे जुडिशियरी जैसे पायस इंस्टीट्यूशन को जो कि हमारे संविधान की गार्जियन मानी जाती है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसका एकमात्र उद्देश्य है जुडिशियरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना और अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से, तो उस पर एक प्रेशर टैक्टिस करके, इस ढंग का सोशल मीडिया का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने प्रयास ये चाहा है कि जुडिशियरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले लें। मुझे लगता है कि देश की जनता और देश के जो भी जागरूक वकील हैं मोर देन 99%, वो ऐसे जो किसी ढंग के हथकंडे को, किसी ढंग के जुडिशियरी पर अटैक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने, जो भी सेंसिबल लॉयर्स हैं, आप पूरे देश से हम लोगों को आया कि भाई ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है, तो हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को कि इस सब जो भी ये सोशल मीडिया पे चल रहा है ऐसे चीज़ों का ध्यान संज्ञान न ले, जुडिशियरी अपना काम अपने ढंग से करे। क्या लगता है सर, जो लोग ये कर रहे हैं वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हैं कहीं से? निश्चित निश्चित निश्चित, जो भी मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, चूँकि जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको बचाने का ये प्रयास है। मुझे लगता है ये असफल होगा, इसमें कहीं सफल कोई हो नहीं पाएगा। हमारी जुडिशियरी बहुत मजबूत है, बहुत ही इंडिपेंडेंट है। 2018-19 में भी हिट एंड रन, हाँ 2018-19 में भी इसी ढंग का उन लोगों ने अपनाया था, बट दे फेल्ड, उनको कुछ मिला नहीं, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। CJI से आप लोगों को क्या उम्मीद है सर इस मामले में? नहीं, CJI हमारे अभी के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही वो लर्नेड आदमी हैं। उनको ऐसे वैसे चिट्ठियों से और ऐसे वैसे दबाव में वो आने वाले नहीं हैं, वो बहुत ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग के आदमी हैं। और उन्होंने जुडिशियरी को जितना आगे बढ़ाया है, जितना बढ़िया नाम दिया है पूरे वर्ल्ड में, आज की तारीख में हमारी जुडिशियरी बहुत आगे है। हमारे ऑनरेबल सारे जजेज उनके टीम के जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ऐसे सोशल मीडिया के प्रभाव से या किसी दबाव पे हमारे CJI आएंगे। आप लोगों के लेटर में काफ़ी पॉइंट्स मेंशन है सर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के भी हियरिंग में हमने देखा था कि CJI ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। हाँ, तो उस बात को हमारे जो जो ये चिट्ठी लिखने वाले और पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो लॉयर्स हैं वो नहीं कहेंगे ना। जुडिशियरी अपना काम करती है इंडिपेंडेंटली, तो उसमें इंटरफियर करने का, उसमें बार बार टीका टिप्पणी करने का, क्रिटिसाइज करने का, ये उचित नहीं है। हमारे न्यायपालिका को कमज़ोर करने का कोई भी प्रयास इस देश के वकील कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कड़ा मैसेज रहेगा जिस तरीके से आप लोगों ने सर लेटर लिखा है उनके खिलाफ? निश्चित तौर पे पूरे देश के, अब एज द लीडर ऑफ द एंटायर लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ द कंट्री, हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, उस लेटर में मैं भी सिग्नेटरी हूँ, हरीश सालवे जी हैं, तो हम लोगों ने ये संदेश दिया है कि हमारी जुडिशियरी पर कोई भी अटैक देश का वकील बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी जो करंट सिचुएशन है सर, क्या लग रहा है कि जानबूझकर उठाया गया, जैसे कि कई ऑपोजिशन के लीडर्स पर करप्शन के चार्जेस है, वो जेल में है, हालांकि उन्हें कोर्ट से रिलीफ भी नहीं मिल रही है, बट दे स्टिल वही कोर्ट से किसी तरह रिलीफ स्नैच करके, इस ढंग का दबाव दे के कोर्ट से रिलीफ स्नैच कर लिया जाए और कोर्ट को जो है सो क्रिटिसाइज करके, कुछ न कुछ करके वो अपने मन मुताबिक ऑर्डर चाहते हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता ये बात समझ रही है बखूबी, तो चुनाव में भी ये अगर कुछ समझ रहे हैं कि उसका कुछ लाभ होने वाला है इनको, उसका लाभ नहीं होगा बल्कि और नुकसान होगा। एक आखिरी सवाल सर, अगर ऐसे में कोई कोर्ट के खिलाफ स्टेटमेंट देता है या कोई एडवोकेट, तो क्या उन पर भी कड़ा एक्शन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने लिखा है, हम लोगों ने जो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को, सारे जजेज को लिखा है, उसमें ये भी लिखा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अवमानना का मामला बनता है जो जुडिशियरी को क्रिटिसाइज करते रहे हैं आप, और उसमें भी मालाफाइड इंटेंशन से कर रहे हैं, तो हमने वो भी आग्रह किया है न्यायालय से, क्योंकि इसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस भी कोर्ट के अगेंस्ट, उनके डिसीजन के अगेंस्ट बोलते हैं। हाँ, बोलते रहते हैं, तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, हमने ये भी आग्रह किया।